फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का। किचन तड़का में आज की रेसिपी है चोको चिप्स, जो हम लोग मार्केट से परचेज करके लाते हैं। बहुत महंगे होते हैं। इन्हें हम घर में बनाएंगे सिर्फ 5 रुपए वाले टाइगर क्रंच के बिस्किट के पैकेट से। तो ये आसान रेसिपी है, बस कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाते हैं ढेर सारे चोको चिप्स। बिल्कुल टेस्ट भी वही जो मार्केट में मिलता है, और सिर्फ 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट। और देखिए कितने सारे चोको चिप्स आसानी से तैयार हो जाते हैं। और इनकी आवाज़ सुनिए, जैसे मार्केट में मिलते हैं क्रंची क्रंची, बिल्कुल वैसे ही। और इन्हें बनाने के लिए हमें कुछ भी सामान नहीं चाहिए, सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और साथ में आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। सिर्फ ये दो ही सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, और ये रेसिपी 100% आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इससे आसान रेसिपी आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो, वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार क्रंची चोको चिप्स। इन्हें हम शेक में, केक में और डेजर्ट में या किसी भी आइसक्रीम में, सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साल भर तक इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू क्विक रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम चोको चिप्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हमने टाइगर क्रंच के पैकेट ले लिए हैं, सिर्फ 5 रुपीज़ वाले। 5 रुपए वाले हमने 2 पैकेट यहाँ पर ले लिए चोको चिप्स बनाने के लिए, और इनको प्लेट में निकाल लेंगे पहले। आप एक पैकेट से बनाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए वाले एक पैकेट से भी बना सकते हैं, और अगर 2 पैकेट से बनाना चाहें तो 2 से भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने चोको चिप्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट से बना रही हूँ, और देखेंगे कितने सारे चोको चिप्स बनकर तैयार होंगे सिर्फ 5-5 रुपए वाले 2 पैकेट से। दोनों पैकेट के बिस्किट्स को निकाल लेंगे प्लेट में, और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करके प्लेट में निकाल लेंगे। पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, और अंदर से ही अच्छे से इसे सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है, और सारे बिस्किट्स को डाल देंगे इसके अंदर, और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार करके लाएंगे। ये फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है हमने, ये देखिए बिल्कुल ही फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा बाउल लेकर और इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब इसमें ले लिया है 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आधा चम्मच ले लीजिए, या 1 छोटी चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालना है। वाला कॉफ़ी पाउडर होता है, सभी के घर में रहता है वही वाला, बस कोको पाउडर नहीं डालना है। और इसमें सिर्फ आधा आधा चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। एकदम से पानी बहुत सारा नहीं डालना है, सिर्फ आधा आधा चम्मच करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, कि बस इतना गाढ़ा हमें इसे बनाकर तैयार करना है। ना इसमें कोई ऑयल डालना है, ना कोको पाउडर, ना चॉकलेट सिरप, ना ही कोई चॉकलेट, सिर्फ सिंपल बिस्किट और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर से हम काफ़ी सारे चोको चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। जो इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला है, वैसे तो वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। इसमें मैंने 2-3 बूंद पानी और डाला है, क्योंकि हल्का सा ही मुझे गाढ़ा लग रहा था। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए, बस यही इतना थिक होना चाहिए। चोको चिप्स जैसे शेप बनाने के लिए हमें इसे कोन में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल वाला दूध का पैकेट ले लिया है, जो सभी के घर में दूध आता है, बस वही पैकेट। इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है, ये अंदर की तरफ से बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और इसको ऐसे साइड में से थोड़ा सा फाड़ लेंगे, और कोने की तरफ से ऐसे थोड़ा सा कोना बना के इसमें ये जो हमने मिक्स बनाया है इसको भर लेंगे। चाहे एक ऐसा गिलास ले लीजिए, और गिलास में इस तरीके से पैकेट को लगा लीजिए। बहुत ही आराम से ये सारा मिक्स इसमें आप भर पाएंगे गिलास की हेल्प से, बहुत आसान हो जाता है ये काम करना। और इस तरीके से चम्मच से सारा मिक्स इसके अंदर डाल देंगे। इसे बनाने में किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक बिस्किट और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ना हमने कोको पाउडर यूज़ किया, ना चॉकलेट सिरप, ना चॉकलेट, और ना ही कोई और चीज़, ना ऑयल, ना और कुछ। बस इस तरीके से इसको निकाल लेंगे गिलास में, और ऊपर से पैकेट पकड़ के इसको कोन की शेप में बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे घुमा है, और ऊपर से इस पे ऐसे करके रबड़ लगा लेंगे,
ताकि आसानी से हम चोको चिप्स बना सके। और अब लेंगे एक पेपर, बटर पेपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल पेपर पे भी ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोन को तैयार कर लिया है और यहाँ पर सेल्फ पे बिछा लिया है मैंने बटर पेपर। बटर पेपर हो तो उस पर बनाइए, अगर ना हो तो इस टाइप की कोई प्लेट या नॉर्मल वाले पेपर पे भी आराम से बन जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर से हल्का सा इसको कट कर लेंगे कैंची से, बहुत छोटा सा कट करना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना है। ये लीजिए, मैंने बिल्कुल छोटा सा कट कर लिया है और अब इसे आराम आराम से इस पर बना लेंगे। बस ऐसे रखिए और ऊपर एकदम झटके से उठा लीजिए, इससे जो है बिल्कुल चोको चिप्स वाला जो ऊपर से कोना बनता है वह ही बन जाएगा। देखिए ध्यान से इस तरीके से इस पर रखिए और उठा लीजिए। आप बना तो किसी भी शेप में सकते हैं, छोटे बड़े सभी शेप में इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल मार्केट जैसा आपको देखने वाले चाहिए तो बिल्कुल छोटे छोटे बनाइए और साथ में एकदम ऊपर जाके झटके से ही ना उठा लीजिए। ये देखिए जैसे चोंच होती है उस टाइप से इनकी चोंच भी बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से फटाफट से सारे चोको चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा प्रेशर लगा के दबाइए और एकदम झटके से ऊपर खींच लेंगे। बस इसी तरीके से हम सारे चोको चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक प्लेट में मैंने चोको चिप्स को निकाल लिया है, सभी बना लिए हैं और अभी भी जो हमारे पास मिक्स है वो काफ़ी सारा बचा है, तो ये पूरा बटर पेपर भर जाएगा। और देखिए हमने जहाँ पे चोको चिप्स निकाले थे उसके साइड में जो पानी की जो बूंद है वो अलग हो गई हैं। बटर पेपर पर ही थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि बटर पेपर जो है इनका पानी सूख लेगा। तो बटर पेपर पर भी इसी तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कोन हमारी पूरी खाली हो चुकी है और सारे ही चोको चिप्स हमने प्लेट्स में इस तरीके से और बटर पेपर पे निकाल लिए हैं। देखिए हमारे कितने सारे चोको चिप्स तैयार हो गए हैं और अब हमें इन्हें पूरे एक दिन के लिए फ़ैन की हवा में सुखाना है। फ़ैन के नीचे सुखा सकते हैं तो वहाँ सुखा लीजिए, नहीं तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में ये आधे दिन में ही सूख कर तैयार हो जाएंगे और फ़ैन के नीचे पूरा एक दिन लग जाएगा। चाहे आप इन्हें धूप में सुखाएं या फ़ैन के नीचे, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन हमें इन्हें अच्छे से सुखाने हैं। और सुखाने के बाद हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल अपने सेल्फ में रखना है एक एयर टाइट जार में डाल के, क्योंकि हमने बिस्किट से बनाया और बिस्किट को भी हम कभी फ्रिज में नहीं रखते, इसलिए इन्हें भी फ्रिज में नहीं रखेंगे। सिर्फ अच्छे से सुखा के इन्हें एक एयर टाइट जार में अपने रसोई के सेल्फ में, अलमारी में, आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ, बस फ्रिज में हमें इसे नहीं रखना है। पहले हम इसे सुखा लेते हैं और सूखने के बाद हम इनका रिजल्ट देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो चोको चिप्स थे मैंने इन्हें पूरा एक दिन के लिए सुखा लिया है और एक दिन बाद ये अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए। और प्लेट पे से ये कितनी आसानी से अलग हो जा रहे हैं। सूखने के बाद ये बहुत ही आसानी से आप फिंगर से इन्हें आराम से निकाल लीजिए और ये सभी निकल जाएंगे। प्लेट पे से भी आसानी से निकल जाएंगे और जो हमने पेपर पे लगाए थे वो भी, ये देखिए। बस इसी तरीके से सबको एक जगह पहले इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने ज़्यादा क्रंची और कितने बढ़िया हमारे चोको चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। और इसी तरीके से पेपर पे से भी छुड़ा लेंगे, पेपर पे से भी बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स लीजिए तैयार हैं हमारे चोको चिप्स। सारे ही चोको चिप्स को बटर पेपर पे से निकाल लिया है और प्लेट में से भी, और देखिए कितने बढ़िया क्रंची क्रंची हमारे चोको चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। आवाज़ सुन सकते हैं आप इनकी, कितने बढ़िया से बन गए हैं ये चोको चिप्स। और सिर्फ 5 रुपये वाले बिस्किट से हमने इतने सारे चोको चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लीजिए और फ्रिज में नहीं रखना, ना फ्रीजर में, नॉर्मल सेल्फ में, किचन में आप इनको रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रंची और बढ़िया चोको चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं।
और ये सालों साल तक भी खराब नहीं होंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, इनको जार में डालने से पहले जार अंदर से गीला ना हो, उसमें मॉइस्चर ना हो, और इनको भी अच्छे से सुखाने के बाद रखना है, जब तक इनमें ऐसे क्रंच की आवाज़ ना आने लगे तब तक। और बीच में अगर आपको कभी लगे कि ये हल्के से सील गए हैं तो बीच में एक बार इनमें धूप लगा लें, और ये सालों साल तक भी ख़राब नहीं होंगे। आप पूरे 2 साल 3 साल जब तक ये चले तब तक आप इन्हें चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें आइसक्रीम में, केक में, किसी भी डेजर्ट में या फिर किसी शेक में, सभी में डाल के आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ार से जो हम चोको चिप्स खरीद के लाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। घर में हमने सिर्फ 5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट से इतने सारे चोको चिप्स बनाए हैं। ना इसमें कोको पाउडर का यूज़ किया है, ना चॉकलेट सिरप, ना किसी चॉकलेट का, ना कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर से इतने सारे चोको चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।